बहुत ही एक्साइटमेंट और पूरी एनर्जी के साथ यंग ग्रो एकेडमी आपके लिए 45 डेज का फ्री इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास स्टार्ट कर रही है, जो कि आपको हर दिन रात के 8 बजे यूट्यूब पर मिल जाएगी। अब आप एक रजिस्टर ले लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आइए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश क्या है और आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों है, मतलब व्हाट इज इंग्लिश एंड व्हाई वी नीड टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश क्या है और हमें इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों है, क्यों इतनी मारामारी है इंग्लिश को लेकर, क्यों लोग इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं, जब देखो जिसको देखो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करना चाहते हैं, क्यों, क्या जरूरत पड़ी है इसकी। तो चलिए आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे ना, तो आपका मन नहीं करेगा मेहनत करने का, ठीक है। इसलिए तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहे और क्लास अटेंड करने में आपको मजा आए। चलिए आइए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, Why we need English? सबसे पहले आप इसको समझिए कि English क्या है, What is English? क्या English एक subject है, क्या English maths है, क्या English economics है, क्या English political science है, क्या English physics है। देखिए, स्कूल में हमें 100 marks के English पढ़ाए जाते हैं, है ना, 9, 10th, 11, 12th में almost 100 marks के paper होते हैं English के, as a subject उसको treat किया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, English इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश बिल्कुल भी सब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैथ, साइंस, SST सब्जेक्ट है, इंग्लिश बिल्कुल भी सब्जेक्ट नहीं है। तो इंग्लिश है क्या, इंग्लिश एक भाषा है, जैसे हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश, ये जो भाषा है, ठीक इंग्लिश भी ऐसी ही एक भाषा है, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर इंग्लिश भाषा है तो इतनी मारामारी क्यों है, क्यों लोग इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं, क्यों लोग बहुत ज़्यादा पेमेंट कर करके इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, क्यों, क्या रीज़न है। तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश भाषा तो है लेकिन इंग्लिश आज के डेट में एक कॉमन लैंग्वेज हो चुकी है, एक कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है। इंग्लिश जो है आज के डेट में क्या हो गया, एक कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है। कॉमन लैंग्वेज का मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो दुनिया के लगभग हर हिस्से में बोली जाती है। वहीं दूसरी ओर ऑफिस में जो काम होते हैं वो सारे काम इंग्लिश में देखने को मिलेगा। आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, रेलवे में चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, ज़्यादातर ऑफिस में इंग्लिश का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश की क्या है, मारामारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंग्लिश की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो एक लाइन में अगर कोई पूछता आपसे, भैया इंग्लिश क्या है, तो भैया इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है भैया, लैंग्वेज तो है ही, एक इतनी मारामारी क्यों है, क्योंकि भैया सिर्फ ये लैंग्वेज नहीं है, यह एक कॉमन लैंग्वेज है, ये कॉमन लैंग्वेज है, ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। समझ पा रहे मेरी बात को आप, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और इंटरनेशनल लैंग्वेज का मतलब ये कि दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में ये भाषा बोली जाती है, ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी आपको। देखिए, 90s के बाद जो है इंग्लिश की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश इज एन ऑफिशियल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कि भैया इंग्लिश हमको क्यों सीखना चाहिए, ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गई जी, इंग्लिश जो है एक ऑफिशियल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात बता दूँ, भारत में जो हाई कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स में जो काम होता है सारे काम इंग्लिश में ही होता है, ठीक है। आपको मेडिकल सेक्टर में आप देखेंगे डॉक्टर जो लिखता है सारी चीज़ें इंग्लिश में ही होती है, ठीक है, सारी बातें डॉक्टर इंग्लिश में ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया इंग्लिश है क्या, कितनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ठीक है। आइए व्हाई, अब भैया क्यों सीखना है इंग्लिश, ठीक है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हिंदी भी इंपॉर्टेंट है, अपना जो हमारी भाषा वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंग्लिश भी क्यों सीखनी चाहिए, ठीक है, क्यों सीखनी चाहिए इंग्लिश, इसको भी ज़रा समझ लो आप ध्यान से। टू गेट अ जॉब, जॉब पाने के लिए इंग्लिश सीखनी आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। अब देखिए क्यों, देखिए 90s के बाद हमारी गवर्नमेंट ने जो कॉन्सेप्ट अपनाया LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, MNCs मतलब जो एक से ज़्यादा देश में काम करने वाली कंपनी होती है उनको MNCs कहा जाता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ठीक है। अब यह क्या हुआ कि विदेशी व्यापार जो बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया, अब जो विदेशी कंपनियाँ भारत में आ रही, जो भी MNCs है, ठीक है, MNCs कंपनी, हमारे देश की भी बहुत सारी कंपनी MNCs है और बहुत सारी जो फॉरनर कंपनी है वो भी MNCs के रूप में भारत आ रही है, ठीक है। अब जो MNCs कंपनी है उनको एक पर्टिकुलर एरिया में तो काम करना है नहीं, उनको बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स को हैंडल करना होता है, ठीक है।
तो वो क्या करते हैं, जैसे कि आप चाहे किसी भी जॉब में आप जाइए, किसी भी जॉब में जाइए, आप सेल्स में जाइए, आप मार्केटिंग में जाइए, आप प्रोडक्शन में जाइए, आप मैनेजमेंट में जाइए, आप किसी भी सेक्टर में जाइए, इनफैक्ट आप अगर अकाउंटेंट जॉब के लिए भी जाते हैं तो वो देखता है कि भैया आपकी एक स्किल तो वो होनी चाहिए जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए आप जा रहे हैं, दूसरी स्किल की भी वो लोग डिमांड करते हैं कि भैया आपको इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। अगर आप सेल्स में जा रहे हो तो सेल्स के बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, साथ के साथ आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, समझ पा रहे मेरी बात को आप, ताकि कंपनी आपको कहीं आगे भेजे तो आप इजिली क्लाइंट्स को हैंडल कर सको। ठीक है, तो जॉब पाने के लिए आज के डेट में इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि जो कंपनियाँ होती है, एचआर जो होते हैं, एचआर जो आपका इंटरव्यू लेगा, तो एचआर जो होता है वो क्या करता है, देखता है कि भाई ठीक है बंदे के अंदर सेल्स की स्किल है या मार्केटिंग की स्किल्स है या फिर अकाउंटिंग की स्किल है या फिर मैनेजमेंट की स्किल है, जो भी स्किल रिक्वायरमेंट होती है वो स्किल है, और साथ के साथ वो प्रेफरेंस उसको देता है जिसकी इंग्लिश बेहतर होती है। ठीक है, तो जॉब पाने के लिए इंग्लिश की बहुत ज़्यादा आज की डेट में ज़रूरत है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, नाउ इट इज़ इट्स एसेंशियल टू गेट अ गुड जॉब, इसेंशियल हो गया है, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट आज के रेट में हो गया। ठीक है, हालांकि भारत में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही है जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट समझिए, टू कम्युनिकेट। अब ये कम्युनिकेट का क्या मतलब होता भैया, कम्युनिकेट का मतलब होता भैया समझाना। ठीक है, अब आ जाइए भैया इंग्लिश हम क्यों सीखे, भैया हमको तो हिंदी आती, आराम से भैया हम समझा देंगे हिंदी में, लेकिन अब जरा ऐसा सोचिए कि आप भैया हम तो यूपी बिहार वाले लोग हैं, हिंदी तो बहुत बढ़िया आती है हमें, अब भैया कोई केरल का बंदा आ जाए आपके पास में, है ना, कोई तमिलनाडु का बंदा आ जाए, कोई आपका कर्नाटक का बंदा आ जाए, तो क्या करोगे, हिंदी में आप बोलोगे उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वो अपने भाषा में बोलेगा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ इंग्लिश वो जानते हैं, और अगर आप इंग्लिश जान लोगे तो ईजिली आप कम्युनिकेट कर पाओगे एक दूसरे को। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी आपको, और हाँ दूसरे देश में आप चले जाते हो तो वहाँ पर भी आप ईजिली एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है, तो भैया कम्युनिकेशन के लिए भी इंग्लिश सीखना आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि आज के डेट में जो इकोनॉमी है ना वो बाउंड्रीलेस हो चुकी है, इकोनॉमी आज के डेट में बाउंड्रीलेस हो चुकी है। आज भारत का व्यक्ति घर पर बैठा बैठा अमेरिका में सामान बेच सकता है, और अमेरिका का व्यक्ति अमेरिका में बैठा बैठा हमारे देश में सामान बेच सकता है। अभी मेरी क्लास चल रही है ना, ये क्लास सिर्फ हमारे देश के लोग ही थोड़े ना देख रहे हैं, कोई कनाडा से भी देख रहा होगा, कोई अपना जो हमारे भारत के लोग जो विदेश में रह रहे हैं वो सारी क्लासेस को देखते होंगे, समझ पा रहे मेरी बात को आप। तो कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के डेट में। ठीक है, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर देशों में इंग्लिश बोली जाती है। दो रीज़न मैंने बता दिए क्यों सीखना, और तीसरा रीज़न जो है, इंग्लिश जब आप बोलते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका हाई होता है, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस लेवल, आपको कॉन्फिडेंस लेवल अगर बिल्ड करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहिए, क्योंकि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं ना तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा आपका बिल्ड होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो इंग्लिश बोलते हैं तो अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। आप चले जाओ ना कहीं पे, मान लीजिए मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे दूँ, आप चले जाइए किसी बैंक में, चले जाइए आप, बोलिए भैया हमारा पासबुक जो है उसको एंट्री कर दीजिए, सुन भी नहीं करेगा आपका बात, आप चाहे 10 बार बोल लीजिएगा तो भी आपका बात नहीं सुनेगा, लेकिन जैसे बोलिएगा ना व्हाई डोंट यू मेक एंट्री ऑन माय पासबुक, भैया ऐसा सुनेगा ऐसे, सर 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 आई एम जस्ट मेकिंग एंट्री, आपको इस तरीके से बोल देगा वो, समझ पा रही मेरी बात को, थोड़ा सा इंग्लिश आप कहीं पे बोल के तो देखो, जाओ हॉस्पिटल में आप हिंदी में बोलते रहो, चलो लाइन में खड़े हो जाए ऐसे बोल देगा, थोड़ा इंग्लिश तो बोल कर देखो डॉक्टर से, डॉक्टर साहब व्हाट शुड आई डू, बस समझो भाई पढ़ा लिखा घर का बंदा है, समझ पा क्या आप लोगों को मानसिकता है, आप क्या कर सकते हो उसमें। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए भी इंग्लिश की आपको ज़रूरत है। तो बात तो आपको समझ में आ गई होगी, अब आप देखिए आप कौन हो, हु आर यू, आर यू ए स्टूडेंट और आर यू ए वर्किंग पर्सन, अगर आप वर्किंग पर्सन हैं तो भैया बता दूं स्किल बिल्ड करना स्टार्ट कर दो, अपना इंग्लिश को एक स्किल के रूप में देखिए और बिल्ड करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ताकि प्रमोशन जो है ना आपको मिल जाए, कई बार क्या होता है इंग्लिश की वजह से प्रमोशन नहीं मिलती है, और एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर इंग्लिश की वजह से कहीं रुकावट ना आ जाए। ठीक है, तो वर्किंग पर्सन के लिए मैं बता रहा हूँ ये बात, और अगर स्टूडेंट हो आप तो भैया ये टाइम ही क्यों आए, क्यों जॉब ज्वाइन करने के बाद आपको सीखना है, नाउ यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू लर्न इंग्लिश, टू मेक योर इंग्लिश फ्लुएंटली, सो इन्वेस्ट योर टाइम अ लॉट। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास में भी बहुत टाइम है, इफ़ यू आर स्टूडेंट यू हैव सफिशियंट टाइम टू लर्न इंग्लिश, सब्सक्राइब द चैनल, अटेंड ऑल द क्लासेस। और हाँ एक बात मैं आपको और बता दूँ,
कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और तब तक अटेंड करते रहिएगा क्लासेस को जब तक आपको प्रॉपर इंग्लिश ना आ जाए। 45 डेज मैंने आपको कहा है, 45 डेज पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हमारा मानना है अपना कंटेंट ऐसा दो कि बंदे का डेवलपमेंट हो, अदरवाइज मत दो, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 45 डेज क्लास को अटेंड कीजिए मोर कसम वाले एटीट्यूड से, और फायदा हो ना तो कमेंट करके जरूर बताइए। आज एक प्रॉमिस आप कीजिए कि आप में से कौन कौन हर दिन रात के 8 बजे एक घंटा अपने लिए निकालेगा, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग ग्रो एकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।